कांग्रेस और बीजेपी ने प्रदेश की लोकसभा सीटों पर पहली लिस्ट जारी कर दी। दोनों की पार्टियों ने जिताऊ प्रत्याशी को मैदान में उतारा। 13 सीटों की स्थिति अब साफ हो चुकी है। किसके सामने कौन मैदान में है, देखते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए। कांग्रेस में जहां वैभव गहलोत के सामने भाजपा के दिग्गज नेता गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ये समीकरण जोधपुर लोकसभा सीट का है। अगर बात करें चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से, तो कांग्रेस में गोपाल सिंह इंडवा है और भाजपा में सीपी जोशी है। कांग्रेस ने जहां बीकानेर लोकसभा सीट से मदन गोपाल मेघवाल को टिकट दिया, तो वहीं भाजपा ने अर्जुन राम मेघवाल पर भरोसा जताया। 13 सीटों पर अब स्थिति साफ हो चुकी है, कौन किसके सामने खड़ा है। कांग्रेस ने झुंझुनू लोकसभा सीट से जहां शरण कुमार को टिकट दिया, तो वहीं भाजपा ने नरेंद्र खीचड़ पर भरोसा जताया। सीकर लोकसभा सीट से जहां कांग्रेस ने सुभाष महरिया को टिकट दिया, तो वहीं भाजपा ने सुमेधानंद सरस्वती पर भरोसा जताया। कांग्रेस ने जयपुर शहर से जहां पूर्व महापौर रही ज्योति खंडेलवाल को टिकट दिया है, तो वहीं भाजपा ने मौजूदा सांसद रहे रामचरण बोहरा को एक बार फिर से मैदान में उतारा। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने नमो नारायण मीणा को मैदान में उतारा और भाजपा ने उनके सामने सुखवीर सिंह जौनपुरिया को उतारा। कांग्रेस ने टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से नमो नारायण मीणा को, और अगर बात करें अलवर लोकसभा सीट से, तो एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता भंवर जितेंद्र सिंह है और उनके सामने भाजपा ने बाबा बालकनाथ को टिकट देकर अपनी उम्मीदवारी ठोकी है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने ताराचंद बघोरा को टिकट दिया, तो वहीं भाजपा ने कनकमल कटारा को। और चूरू लोकसभा सीट की अगर बात करें, तो कांग्रेस ने रफीक मंडेलिया को मैदान में उतारा और भाजपा ने राहुल कसवां को टिकट दिया है।